Assalamualaikum, welcome back to my channel Being Sadaf Saeed Official. So, आप सब लोगों को हमारी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो. आप लोग ईद कैसे मना रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. और गाइस थैंक यू सो मच, आपसे एक गुड न्यूज़ शेयर करनी थी कि ईद वाले दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है. और आप लोगों से एक गुड न्यूज़ और शेयर करनी थी कि आज के दिन मेरे चैनल को एक साल कंप्लीट हो गया है. थैंक यू सो मच गाइस इतने एक साल की जर्नी में मेरे साथ बने रहने के लिए और मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए. वो आई होप कि आप सब लोगों की ईद अच्छे से जा रही होगी, अच्छे से मना रहे होंगे आप सब लोग ईद. और गाइस हम लोगों को ईद के बाद भी अपनी इबादत को ऐसे ही कंटिन्यू रखना है और सब लोगों के लिए दुआएं करते रहना है. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि हमने ईद पर क्या क्या बनाया था. तो ये सारी यमी यमी डिशेस हमने बनाई थी, यानी मेरी मदर ने बनाई थी. और उससे पहले चांद रात का छोटा सा सीन मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैंने मेहंदी लगाई थी. हालांकि ये बहुत अच्छी नहीं लगी है डिज़ाइन कुछ ऐसा, बट मुझे बहुत सारे काम करने थे तो मैंने बहुत सिंपल से ऐसे ही डिज़ाइन बना लिया था. और क्योंकि बहुत रात हो गई थी काम करते करते ना, तो टाइम नहीं मिला था. तो चलें अब देखते हैं कि हमने क्या क्या बनाया था. कुछ चीज़ें इसमें से ऐसी हैं जो हमने रात में बना के रख ली थी और कुछ हमने मॉर्निंग में बनाई थी. तो बना तो मेरी मदर रही थी लेकिन मैं तो सिर्फ शूट कर रही थी, बट कुछ कुछ चीज़ें मैंने बनाई वो मैं आपको दिखा दूँगी कि मैंने क्या बनाया था. तो सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं ये सिवैयाँ. तो सिवैयों को हमने सबसे पहले ही फ्राई कर लिया है. तो हमने एक्चुअली इसको आप चाहें तो कैसे भी, मतलब कि आप चाहें तो इसको देसी घी में फ्राई कर सकते हैं, आप डालडा में फ्राई कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप कर सकते हैं. बहुत से लोगों को देसी घी का जो स्मेल है वो अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो आप डालडा में भी फ्राई कर सकते हैं उसको, नॉट एन इशू. तो हल्का सा हमने ब्राउन कर लिया था उसको, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना है, हल्की, बहुत ही हल्की आंच पर हमें इसको फ्राई करना है सिवैयों को ख़ास तौर से. और अब हम ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेते हैं. और इसमें सबसे पहले हम मखाने फ्राई कर लेते हैं. तो मखानों को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे क्योंकि बिल्कुल स्लो फ्लेम पर करने से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. तो मीडियम फ्लेम पर हमने ये हल्के से फ्राई कर लिए, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इनको, बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करना है. और ये सारे ड्राई फ्रूट्स हम लेंगे जिसमें मैंने ये सब नारियल, काजू, बादाम ये सब मैंने काट लिए थे, किशमिश है इसमें और पाँच मगज़ हैं. और इस सारी चीज़ें हमने इसमें ले ली हैं. और छुआरा भी मैंने छोटा छोटा सा काट लिया, आपने देखा है, देखिए बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटे छोटे सा छुआरा काटा है. और इसको भी हम कुछ एक आध मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा देर के लिए फ्राई नहीं करना है, बस एक आध मिनट के लिए ही फ्राई करना है इसको. और हम उसको अलग प्लेट में निकाल लेंगे. इन सब चीज़ों को हम ठंडा होने देंगे थोड़ा सा. और अब उसके बाद में हमने एक पतीला ले लिया है, जितना क्वांटिटी बना रहे हैं हम ये किमामी सिवैयाँ बना रहे हैं, तो जितनी क्वांटिटी आप बना रहे हैं उस हिसाब से आपको अपने बर्तन का साइज़ लेना है. तो हमने सबसे पहले घी लिया, उसमें हमने इलायची डाल दिया, थोड़ी सी हरी इलायची जो होती है. फिर उसमें हमने दूध डाल दिया, दूध हमारा अराउंड 1 लीटर था. और फिर हमने उसमें एक किलो के हिसाब से ही हमें इसमें चीनी भी डालनी है. जितना हम दूध लेंगे उतनी ही हम इसमें शुगर भी डालेंगे, चीनी भी हमें उतनी ही डालनी है. फिर सारे ड्राई फ्रूट्स हमने इसमें डाल दिए हैं. और जब हमारा दूध बॉईल हो गया था तब डाले थे हमने ड्राई फ्रूट्स. फिर उसके बाद में हमने इसमें मखाने थोड़े से कूट लिए थे और थोड़े से हमारे साबुत मखाने थे और वो हमने डाल दिए. अब हमने इसमें ये मावा डाल दिया है और अब हम इसको अच्छे से चलाएँगे. और अब हम इसमें फूड कलर डाल देंगे क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है. वाइट वाइट सी सिवैयाँ होती हैं तो वो अच्छी नहीं लगती हैं, फूड कलर से एक अलग सा लुक आ जाता है. तो फूड कलर डालने के बाद में हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए हम इसमें उबाल आने देंगे, पकने देंगे. तो देखिए 2 मिनट हो गए थे, बस सिर्फ 2 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं. उसके बाद में हम इसमें सिवैयाँ डाल देंगे अपनी और इसको भी अच्छे से हम चला लेंगे. थोड़ी थोड़ी करके सिवैयाँ डालनी है हमें, फिर उसको अच्छे से चलाना है ऐसे करके, मतलब एक साथ नहीं डाल देनी है सारी सिवैयाँ. और हमने इसमें
सात 200 ग्राम के आसपास इसमें हमने सेवैयाँ ली थी, और 200 ग्राम सेवैयाँ लेकर और फिर हमने इसको 2-3 मिनट के लिए बंद कर दिया, मतलब 2-3 मिनट के लिए ढक कर रख दिया था उसको। और देखें 2 से 3 मिनट से ज़्यादा आपको रखना ही नहीं है, 2 से 3, दैट्स इट। और फिर हम उसको जब हमारे 2-3 मिनट हो जाएंगे फिर हम उसको बंद कर देंगे फ्लेम को, और फिर 1 से 1.5 घंटे, एटलीस्ट 1.5 घंटे के बजाय आप एटलीस्ट 2 घंटे रख दें उसको। अब फिर देखें उसके बाद इस तरीके का उसका कि मामी सेवैयाँ आपकी बन के तैयार हो जाएंगी। ऊपर से आप गार्निशिंग कर दें जैसे आप चाहें, मावा डाल दें, ड्राई फ्रूट्स डाल दें, जैसे चाहें गार्निशिंग कर दें। और आप अगर इस प्रोसेस से बनाएंगे तो बहुत अच्छी मामी सेवैयाँ आपकी बनेंगी, बहुत अच्छी। मेरी तो बहुत टेस्टी बनी थी। फिर हमने ये छोले बनाए थे तो उसके लिए मैंने इसको होल नाइट इसको भिगो दिया था। फिर उसमें हमने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और गरम मसाला भी आप इसमें डाल सकते हैं, आप चाहें तो आमचूर पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, तो जो चाहें आप इसमें डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। 2-4 मसाले कोई लोग ज़्यादा डालते हैं, 2-4 मसाले कम डाल देते हैं कुछ लोग, ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर हमने इसमें सीटी लगा दी थी, उसके बाद में फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये हमारे देखिए बॉयल हो गए थे बहुत अच्छे से, तो हमने इसमें थोड़ा सा अनियन इसमें फ्राई करा ऑयल में और फिर उसको डाल दिया। ऊपर से हमने ये थोड़ा सा मसाला, हमारा होममेड मसाला है, वो हमने डाल दिया था, तो वो हमारे छोले बन के रेडी हो गए थे उधर। अब हम इधर शीर की तैयारी कर लेते हैं थोड़ी सी, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो शीर के लिए भी हमने सिवैयों को फ्राई कर लिया घी में, और अगेन आप कोई सा भी घी ले सकते हैं। यहाँ हमारा दूध बॉईल हो गया था तो हमने उसमें नारियल डाल दिया था, और उसको थोड़ा सा हम इसको हमने नारियल को हल्का सा कद्दूकस कर लिया था, तो वो ऐसा हो गया था। और फिर हमने थोड़ी सी हरी इलायची इसमें डाल दी, और अब हम जैसे थोड़ा सा बॉईल आ गया उसमें तो हमने उसमें शुगर डाल दिए। और ये क्वांटिटीज़ में आपको जो इसके मेजरमेंट्स हैं वो मैं आपको इसलिए नहीं बता रही कि मैं अलग से वीडियो डालूंगी, उसमें आपको मेजरमेंट्स बता दूंगी। मैं यहाँ जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ तो वीडियो जल्दी जल्दी बस आपको एक ग्लिम्स दे रही हूँ मैं कि मैंने क्या क्या बनाया था। डिटेल आपको चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको डिटेल्ड वीडियो दूँगी। और ये सारी चीज़ें लाइक मैं आपको सच बोल रही हूँ, ये सारी चीज़ें बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत टेस्टी। तो इस फिर हमने इसमें सिवैयाँ डाल दी थी और अच्छे से बॉईल करने के लिए रख दिया था उसको। और इधर फिर हम अपने ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले हमने अगेन मखाने फ्राई कर लिए, मखाने को भी हमें लाइट ब्राउन ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये कलर आ गया था मखानों का, और अब हम इसको निकाल लेंगे। और हम इसको थोड़ा सा, अगर उसमें घी भी रह गया तो कोई इशू नहीं है, आप उसको उसके साथ ही शीर में डाल देंगे वो सारे मखाने। और थोड़े से आप बचा के भी रख सकते हैं कि जब आपको लगे कि आपकी शीर थोड़ी सी इस तरीके की हो गई है, कि लग रही है कि मज़ा नहीं आ रहा उसको देखने में, तो आप ऊपर से उसको अलग से भी डाल सकते हैं। तो और बाकी हम अपने अब ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेते हैं। इसमें हमने पिस्ता, बादाम, किशमिश, चिरौंजी, ये सब चीज़ें, और ये सब चीज़ें डालनी हैं। काजू भी थोड़े हमने कट कर लिए थे, पूरी रात भिगोकर हमने इसको कट फिर सुबह में कट किया था ड्राई फ्रूट्स को, काजू बादाम को। तो खैर वो शीर का सामान हो गया, शीर हो गई वो। अब हम बना रहे हैं बरे। तो बरे बनाने के लिए मैंने दाल को पूरी रात भिगो दिया था, और उसके बाद में हमने इसको पीस लिया। इसमें हमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना, विदाउट पानी पीसना है। और इस तरीके से हम बरे बनाकर उसको फ्राई कर लेंगे। और इसकी भी आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं अपलोड कर दूंगी अपने चैनल पर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये भी बहुत अच्छे बने थे, बिल्कुल सॉफ्ट बने थे। तो गाइज़ इसकी भी वीडियो कर दूँगी मैं अपने चैनल पर अपलोड। तो इस तरीके से मैंने दो टाइप के बनाए थे। एक तो मैंने इस तरीके से बनाए थे कि फ्लैट टाइप बनाए थे, मतलब जैसे टिक्की होती है उस तरीके से बनाए थे, और एक और मैंने बनाए थे राउंड शेप में। तो दोनों बना दिए थे, तो क्या था कि एक ही चीज़ ना दो डिशेस लग रही थी। वो जब राउंड होते हैं तो उन वो अलग तरीके से उनका लुक आता है,
और ये अलग लुक आ रहा था। तो ये देखिए मेरे राउंड ये वाले जो हैं इस तरीके से बन गए थे। और एक होते हैं जैसे कि पकौड़ियाँ होती हैं ना, उस तरीके से जो होते हैं ना वो भी मैंने बनाए थे। तो ये हो गया। और इसके बाद मैंने मतलब वो वाले पकौड़ियों टाइप के बना लिए थे, मतलब जो फूले फूले राउंड राउंड होते हैं ना वैसे वाले। और उसके बाद मैंने बनाई थी ये फुल्कियाँ जो कि बेसन की थी, और ये मैंने दही फुल्की के लिए बनाई थी। और सिर्फ यही एक रेसिपी मैंने बनाई थी, और उसके लिए दही भी मम्मी ने ही प्रिपेयर किया था, उसमें घर के बने हुए मसाले डाले थे तो वो उन्होंने प्रिपेयर किया था। और सिर्फ मैंने ये फुल्कियाँ फ्राई कर ली थी। और ये तो मुझे जितनी डिशेस बनी थी सबसे जो टेस्टी मुझे लगी थी गाइस, सच बताऊँ तो ये दही फुल्की लगी थी, वो दही की वजह से, क्योंकि उसमें घर के मसाले डले हुए थे। और मुझे अगर हाँ आपको वो मसालों की रेसिपी चाहिए तो भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं वो भी अपलोड करूँगी अपने चैनल पर। और गाइस हाँ, अपने वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर बेल आइकॉन भी प्रेस ज़रूर करें। और आप लोगों ने मेरा इतना सपोर्ट किया कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, मेरे 10,000 से अबव सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।